झांसी में देर रात बधाई देने जा रहे किन्नर को लिफ्ट देने के बहाने एक युवक उसे अपने साथ ले गया। किन्नर ने युवक पर धमकाकर गलत काम करने और रुपए छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस ने किन्नर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में जागेश्वर मंदिर में आज ऐतिहासिक दंगल का आयोजन होने जा रहा है, जहां उन्नाव जिले के जैतीपुर गांव की बलुई मिट्टी से अखाड़े का ग्राउंड तैयार हुआ है। इसमें देश प्रदेश के पहलवान अपने दाव पेच दिखाएंगे। इस बार दंगल में 135 पहलवानों ने रजिस्ट्रेशन करा है। दंगल देखने के लिए 20 से 25 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम ट्रेनर ने कारोबारी की पत्नी को लेकर फरार हो गया। पति ने जिम ट्रेनर पर प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर पत्नी को अगवा करने का आरोप लगाया है। वहीं घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी दोनों का कोई पता नहीं लग पाया। गायब होने के बाद से जिम ट्रेनर और महिला का फोन स्विच ऑफ है। जालौन जिले में खनन परिवहन माफियाओं की दबंगाई सामने आई है, जहाँ पर ARTO के कर्मचारियों को ट्रक चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान रोके गए ट्रकों को भी माफिया जबरन छुड़ा ले गए। ARTO ने पुलिस को तहरीर देकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। जनपद में सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को बारिश से काफी राहत मिली है। इसी बीच काशी में रिमझिम फुहारों के बीच काशी की गंगा आरती हुई। दशमेश घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली गंगा आरती हुई। बारिश के रिमझिम फुहारों के बीच मां भागीरथी की आरती हुई। हमीरपुर में NH 34 में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। बरेली थाना बरादरी क्षेत्र में एक सचिन नाम के युवक ने अपनी भांजी पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। हाथरस हादसे में मृत 64 वर्षीय श्रद्धालु चंद्र प्रभा को श्रद्धांजलि देने और परिजनों को सांत्वना देने के लिए सपा सांसद देवेश शाकिहटा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भगदड़ में मारे गए 123 लोगों के परिजनों को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। समाजवादी परिवार सभी लोगों के साथ है, जिन लोगों ने इस घटना में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। उन्नाव में अभय हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। ADG जोन के निर्देश पर उन्नाव SP ने ये कार्रवाई की है। बिजनौर के थाना नूरपुर के कुंडा खुर्द में बीती रात चोरों ने कुंबल लगाकर लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित परिजनों द्वारा मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महाराजगंज में निचलौली थाना क्षेत्र के बरोरिया ढाला में लूट की फिराक में बदमाशों ने गोली चला दी। बता दें, दुकानदार दुकान बंद कर घर जा रहा था। बदमाशों ने दुकानदार के ऊपर फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बचा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी ने पुलिस एक को पकड़ लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। लखनऊ में रील बनाने वालों को पुलिस ने नसीहत दी है। पुलिस ने कहा कि रील की आड़ में हुड़दंगबाजी की तो सबको भारी पड़ेगा। आए दिन जनेश्वर मिश्रा पार्क में सड़क पर केक काटकर और हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों पर गोमती नगर विस्तार पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। पुलिस ने मौके पर 5 बाइक और 1 कार को भी सीज किया है। फिरोजाबाद में बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। इस समारोह में सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। इस दौरान प्रोफेसर ने अयोध्या रेप मामले में कहा कि जो गुंडाई करे उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इटावा में रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल टेकर बस और कार में टक्कर होने के बाद बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस वे के नीचे गड्ढे में गिर गई। हादसे में बस और कार में सवार 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर यात्रियों को बाहर निकाला। बता दें, थाना उसराहार क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ये हादसा हुआ है। इटावा में चैन स्नैचिंग और मोबाइल फोन की छिनती करने वाले गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली भी लग गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा और बरामद किए गए हैं।